हेलो गाइस, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ब्रदर में। तो गाइस, आज का वीडियो यह है कि आज हम लोग निकल चुके हैं पलामू मेडिकल कॉलेज के लिए। तो आप मेरा आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो ये है मेरी बाइक और ये मेरे दोस्त हैं जो मेरे वीडियो में बहुत हेल्प करेगा और सहयोग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस लोग सफर पे, और ये आप ये रोड है, ये हाईवे रोड पर जाती है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो आगे रेरमा चौक है, वहाँ से हमको यू टर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद उसी के थ्रू हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग अभी रेरमा पहुँचने वाले हैं। ये रहा आपका मनपसंद स्वागत होटल। लड़की ने अपना मुंह मोड़ ली। ये रहा काली मंदिर, आप देख सकते हैं। और ये हम लोग ट्रैफिक के बीच में फंसे हुए हैं। निर्मा चौक चलो ना। और एक और मंदिर है हमारे महाकाल की, आप देख सकते हैं। जय महाकाल। ये होंडा शोरूम, मैं आपको दिखाता हूँ। संडे तो आज बंद है, मैं सर्विसिंग के लिए नेक्स्ट टाइम ही पे आने वाला हूँ। कॉलेज ये है पलामू मेडिकल कॉलेज। और ये है पोखराहा चौक। बस अभी हम लोग कॉलेज के अंदर इन करने वाले हैं, पलामू मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज यहाँ तक कि MBBS की तैयारी कराती है, और इस कॉलेज को NCI द्वारा प्रमाण मिल चुका हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस। कॉलेज रामू मेडिकल कॉलेज। चलो 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 चलो। जाने का रास्ता भी ये रहा हमारे पलामू मेडिकल जॉन कॉलेज जाने का रास्ता। ये अभी कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाला है कुछ दिन में। चलिए चलिए सिक्योरिटी गार्ड पास। फोटो नहीं, मतलब वीडियो हम लोग का ब्लॉग चैनल है। तो कॉलेज के बारे में, ये हमारे कॉलेज हमारे पलामू के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। यहाँ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट जो बाहर जाते थे अब वो यहीं पर रह के पढ़ाई कर सकते हैं, अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं, और यहीं पर रह के अपने माँ पिताजी के साथ रह के यहीं पर अपना पढ़ाई कर सकते हैं और अपना कॉलेज। Faulty game, no.
इस कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है। तो कॉलेज का उद्घाटन किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हजारीबाग से किए थे ऑनलाइन थ्रू। हाँ वो तो हम भी देखे थे न्यूज पे। और ये फरवरी में उद्घाटन हो चुका है इसका, फरवरी। तो ये हमारा मेन कॉलेज हो गया, सामने है ये मेन कॉलेज। तक आते आते मेरे हिसाब से कम्प्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इस कॉलेज में जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे एमबीबीएस के लिए, जो बाहर जाते थे, वो यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई अब दिक्कत नहीं होगी, वो भी कम खर्चे में। तो मतलब ये हमारा मेन कॉलेज हो गया, मेन कॉलेज हो गया पलामू मेडिकल कॉलेज। हाँ मेन कॉलेज का एक सक्सेस का एक नया नजरिया। हाँ और ये मेरा बगल में वो सब जितना है हॉस्टल है, ये एक हॉस्टल है, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, आप देख सकते हैं। अब जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं वो हॉस्टल में भी रह सकते हैं। आप कॉलेज देख सकते हैं कितनी दूर तक फैला हुआ है। कंस्ट्रक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। तो ये लगभग कब तक चालू हो जाएगा? 2020 तक हमको लगता है कि ये कंप्लीट होने वाला है। 2020 ठीक है। तो भाई हम लोग तो इस कॉलेज में अब नहीं पढ़ सकते हैं, मगर हमारे आने वाले पूर्वज, आने वाले जो पीढ़ी है, वो इस कॉलेज को लिए बहुत लाभदायक है, बहुत एंजॉय कर लेंगे इस कॉलेज में। देखिए ऊपर से, वो देखिए ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है। मोदी जी कैसे हैं? नरेंद्र मोदी जी जा रहे ऊपर हवाई जहाज। नमस्ते, बाय बाय, कल मिलते हैं रात में। देखिए मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी जी अभी हम लोग के साथ में। गाइस आपको अगर ये चैनल वीडियो अच्छा लगा होगा पलामू मेडिकल कॉलेज के बारे में, और डाल्टनगंज से आप हैं, तो अगर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप जहां से भी हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मत बोलना भाई। थैंक यू भाई।